नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल गौरव चौधरी के ऊपर बहुत ही फ्रेश कमाल शानदार जबरदस्त एपिसोड में। और यहाँ दोस्तों ये वीडियो ना एक्चुअल में मतलब वैसे तो हमारी सारी वीडियो होती है, लेकिन ये दोस्तों वीडियो जो है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको बताता हूँ कि मेरे साथ में 10 मिनट पहले क्या हुआ। मैं दोस्तों बैठा हुआ था और मैं मतलब जस्ट अभी मैंने कुछ मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, मतलब कुछ ऐसे लाइफ में नहीं जो है वो उथल पुथल मची थी। अचानक से ये आते हैं और मेरे को ये बॉक्स देते हैं और दिया मेरे को। मेरा बर्थडे अभी जस्ट गया ही है तो मेरे को मालूम है कि हाँ कुछ गिफ्ट होगा, बिकॉज उस टाइम पे एकदम सब कुछ जो है वो फ्लैट निकल गया था। मुझे लगा कि हाँ ठीक है इसमें गिफ्ट होगा। तो मैंने इसको खोला, जो खोला मतलब ये मैं ना रिक्रिएट कर रहा हूँ, उस टाइम पे तो चलो अलग ही एक्सपीरियंस था बट वो कर नहीं पाऊंगा। जो दूसरे तो खोला इसके अंदर ना ये थी, दैट्स इट। और ये क्या है, ये है एक मैकलैरन की चाबी। जैसी मैंने देखा मैं भाग भाग के बाहर गया हूँ। तो अभी हम चलते हैं साथ में बाहर और वो एक्सपीरियंस करते हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया। मैंने बाहर जो चीज है उसको अभी तक जो है वो कुछ वहां भी छेड़छाड़ नहीं करी है, वो एज इट इज है, बिकॉज मैं फट से अंदर आया भाग के, फिर मैंने कैमरा ऑन किया। और चलिए देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो कभी लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ आप कर दो, बिकॉज भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। हो सकता है बीच में दोबारा ना बोल पाऊँ, लेकिन चलो सीधा बाहर चलते हैं 10 मिनट पहले। और मुझे ये दिखा, पता है एग्जैक्टली हुआ क्या, एग्जैक्टली हुआ क्या कि ये जो मेरी सरप्राइज वाली बात आ रही है, शायद सरप्राइज ना रहती अगर ये 7 मई को हो जाता, बिकॉज मुझे ऐसी कुछ ना हिंट्स थी घर पे कि कुछ बात चल रही है, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो नई कार और ये जो है होने वाला है। लेकिन ये हुआ नहीं 7 मई को, बिकॉज 7 को फ्राइडे था, उसके बाद में शायद 2-3 दिन का बीच में कुछ डिले हो गया। लेकिन आई मीन अब ये हो गया मेरे लिए एक्चुअल सरप्राइज, उस टाइम पे सरप्राइज नहीं होता। और ये जो मॉडल है, आई मीन क्या आप गेस कर सकते हो ये कौन सी कार है? शेप से काफी लोग गेस कर पाएंगे, चाबी तो आपने देख ही ली है, लेकिन कौन सा एग्जैक्ट मॉडल है ये? बाय द वे आपको बता दूं कि ये जब से लॉन्च हुआ ना मॉडल, तब से मैं बात कर रहा था घर पे कि हाँ प्लान करते हैं। अब हो सकता है मैं पता नहीं लेता भी या नहीं लेता, मतलब मैं तो ऐसी मतलब मेरे को पसंद तो है, लेकिन अभी का अभी तो मेरे को मिल जाएगी ऐसा मेरे को भी नहीं पता था। लेकिन फाइनली यहाँ पे है और आई मीन सामने से भी अगर आप देखोगे ना तो क्लियरली पूरा व्यू ले लो। अनबॉक्स करते हैं तो सब एक साथ बोलेंगे, चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंटिंग ऑल न्यू मैकलैरन जीटी। गाइस मैं बस आप ही समझ लो, मैं अगर कुछ नहीं भी बोल पा रहा ढंग से तो मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश हूँ इस चीज के लिए। हाँ ये तो होना ही था, 9789 ऑफ कोर्स, इसको हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो हम एक और चीज मिस नहीं कर सकते मैकलैरन की, वो है क्या बात। चलो एक बार इसको मैं पहले क्लीन करता हूँ यार, थोड़ा सा ये एक्साइटमेंट के चक्कर में ना मैं, चलो पहले तो एक बार इसको हटाता हूँ। इसको हम किसी और गाड़ी में काम ले सकते हैं, हो सकता है मैं अगले साल मैं घर में किसी को सरप्राइज दे दूँ, क्या पता मेरे साथ अगर ऐसा हो गया तो रिटर्न तो बनता है ना, क्या बात। डिटेल्स में जाऊँ क्या मैं, डिटेल्स में जाऊँ मेरे को, क्योंकि इसका सब कुछ ना याद हुआ पड़ा है, बिकॉज जब से ये मॉडल लॉन्च हुआ था ना मैंने मतलब ये था कि बस मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। और इतना ही था कि यार मतलब व्हेनेवर यू नो जब मेरा कोई हो नई गाड़ी लेने का मूड तो शायद मैं यही लेता। 4 लीटर V8 ट्विन टर्बो 612 horsepower 0-100 इन 3.1 seconds और 326 km/h की टॉप स्पीड मैकलैरन। आई मीन मेरे को आज भी याद है यार, हम पहले ना NFS के अंदर मैकलैरन F1 से खेलते थे जो कि उस टाइम पे फास्टेस्ट कार थी, और ये है ऑल न्यू GT। छोटी सी राइड पे चलते हैं पहले एक बार, चलो स्टार्ट तो करें यार। ऐसी रूफ डार्क और बटन दबाया ट्रांसपेरेंट, तो सारे फीचर्स क्या है, चलो मैं सारे फीचर्स के बारे में बाद में बात करूंगा। तो मैंने जो है वो सब कुछ एकदम रेडी कर लिया है, GoPro वगैरह लगा लिया है, तो चलो चलते हैं छोटी सी राइड पे। और मेरा पहला एक्सपीरियंस ड्राइव करने का मैकलैरन GT, आई एम श्योर बहुत अच्छा होने वाला है, आप भी साथ में एंजॉय करो, बड़ा मजा आएगा। चलो लेट्स गो। क्या बात है गाइस, पूरा
मजा आ गया आई मीन एकदम सही एक्सपीरियंस है। फिलहाल मैं अपनी कम्युनिटी में ही हूँ। मैं थोड़ा सा बाहर चलता हूँ सीधा अपनी मेन रोड पे और वहां दूसरे आगे देखता हूँ। एकदम तेज गति का एहसास, बहुत ज्यादा मजा आएगा यार। ये बड़ा ही सही गिफ्ट मिला है मुझे बर्थडे पे। अपनी कम्युनिटी से बाहर निकलता हूँ और मेन रोड पे जाके जो है वो मजा उठाते हैं इसी गाड़ी का। एकदम अभी जैसे डार्क किया हुआ है, मैंने बटन दबाया, पूरा अपन जो है वो सब कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। असली राइड का मजा मैक्लारेन जीटी के साथ में, क्या बात है भाई। इसमें ना मेरे कैमरे लग सकते हैं बिकॉज पता नहीं चल रहा वैसे पे हेवन स्पीड जो है वो बिल्कुल गाइस क्रेजी एक्सपीरियंस हेवन अल्टीमेट। सुपर क्रेजी यार, बहुत शानदार। मैं फिलहाल स्पोर्ट मोड में हूँ। मैंने पावर ट्रेन और हैंडलिंग दोनों को स्पोर्ट मोड में किया है और यहाँ पे ट्रैक मोड भी है बाय द वे, तो मतलब ट्रैक मोड में तो और ज्यादा मजा आने वाला है फिलहाल। इनफैक्ट कंफर्ट मोड भी है बिकॉज ये जो जीटी कार है ना मैक्लारेन जीटी, इट इज ग्रैंड टूरिंग कार, तो मतलब ये सुपर कार है विद फुल लग्जरी और आई मीन आप इस पे लंबे डिस्टेंस तक जा सकते हैं, तो ये बहुत ही सही एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस गाड़ी के साथ में। गाइस ये जब लॉन्च हुई थी ना मैक्लारेन जीटी, मतलब मेरा तभी से मन था बिल्कुल इसको लेने का बिकॉज सुपर कार्स में नॉर्मली क्या होता है यार, जो लग्जरी आपको वो बिल्कुल नहीं मिल पाती, मतलब आप ना एकदम ऐसे कंफर्टेबल नहीं होते हो, आपको लंबी राइड्स अगर करनी है या मतलब जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है जो अंदर लग्जरी है फॉर एग्जाम्पल वो आपको नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये जो मैक्लारेन जीटी है ये आई मीन अल्टीमेट यू नो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है सुपर कार और लग्जरी का। तो वैसे आप बताओ यार कि क्या आपको एक डिटेल वीडियो देखना है क्या, बिकॉज आई नो कि आपको कार्स के वीडियोस जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं कुछ स्पेशल प्लान कर सकता हूँ। वैसे गाइस जब मैंने फोटो पोस्ट किया ना तो कुछ लोगों ने गेस किया, कुछ लोगों ने शेप से गेस किया कि ये मैक्लारेन है और कुछ लोगों ने मैक्लारेन जीटी भी गेस किया। मैं आपके लिए एक के बाद एक स्पेशल जो है वो वीडियोस आपके लिए प्लान कर रहा हूँ, तो मुझे आप बताओ कि आप किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हो। हाँ गाइज ये जो एक्सपीरियंस था यार ये तो आई मीन एकदम एपिक था। चलो मैं अपने अभी घर में ही घुस रहा हूँ। मजा आ गया गाइस, बहुत 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 ज्यादा मजा आ गया। मैंने इतनी सारी कार्स चलाई है लेकिन स्पेशली ये जो मैक्लारेन जीटी का जो कंप्लीट ड्राइविंग डायनेमिक्स था ना आपने देखा, ये वीडियो में मैंने आपसे वीडियो में बात करी है। तो गाइस अब आप जानते हो कि व्लॉग्स तो शुरू हो चुके हैं, तो मुझे बताओ कि आपको किस टाइप की और वीडियोस देखनी है, बिकॉज मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक के बाद एक और ऐसी ही अच्छी अच्छी कमाल कमाल वीडियोस लेके आता रहूं। पता नहीं मैं कितना एक्सप्रेस कर पा रहा हूं लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश हूं और आई एम श्योर कि इस वीडियो के दोस्तों जो खुशी है ना उसका पैकेज बना के टीजी फैमिली में जरूर शेयर किया, तो मतलब आप भी शायद वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जो शायद मैं फिलहाल अंदर से फील कर रहा हूं, और आपके लिए ऐसे ही और बहुत कमाल वीडियोस लेके आता रहूंगा। फिलहाल आप तो नीचे कमेंट करो और हम बात करते हैं आउटरो की। दोस्तों मुझे लगा कि यार मैं ना अभी कुछ और चीजें जोड़ू इस व्लॉग में लेकिन मेरे ख्याल से ऑलरेडी शायद काफी लंबा बन गया और बाकी बातें किसी और व्लॉग में किसी और दिन। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई और सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए कभी कभी या रोजाना या जैसा भी है ऐसी ही कमाल वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।